जो क्वेश्चन 37 है एल्कीन का, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच सब्सटेंस विद इथीन रिएक्ट टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। तो इथीन जो है आपका एल्कीन है जिसका फॉर्मूला है C2H4। अब इथीन आर्गन के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, इथीन के हमने रिएक्शन जो देखे हैं वो ब्रोमीन के साथ देखा है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन वाला। इथीन का रिएक्शन हमने हाइड्रोजनेशन वाला देखा है जिसमें इथीन से इथेन बन जाएगा। ब्रोमीन के साथ क्या रिएक्शन देखा है, C2H4 और दो ब्रोमीन एटम इसमें ऐड हो जाएंगे, Br2 हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन में वो इथीन से इथेन बन जाएगा। इसी तरह इथीन का हमने एक रिएक्शन HCl के साथ देखा है जिसमें वो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे HCl लग जाएगा। इसी तरह इथीन का एडिशन रिएक्शन हमने एक और देखा है स्टीम के साथ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जिससे अल्कोहल बनता है। इसमें हमारे पास C2H5OH इसका फॉर्मूला बन रहा था। अच्छा, अब इन सारे रिएक्शंस में जो एडिशन रिएक्शंस है एल्कीन्स के, इसमें हमारे पास सिर्फ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें ब्रोमोइथीन बन गया डायब्रोमोइथीन, दूसरे वाले रिएक्शन में वो इथेन बन गया, तीसरे वाले रिएक्शन में वो क्लोरोइथेन बन गया और चौथे वाले रिएक्शन में वो इथेनॉल बन जाता है। इसको हम एल्कोहल में और आगे पढ़ेंगे, इथेनॉल इथीन से इथेनॉल बन रहा है इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विद विच सब्सटेंस विल इथीन रिएक्ट टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। तो अभी ये सब में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, एल्कीन का हमने एक और रिएक्शन पढ़ा है कम्बशन रिएक्शन। तो कम्बशन जब होगी एल्कीन की, इस केस में इथीन है, तो वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर। तो जब इथीन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मोर देन वन प्रोडक्ट बनेगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 38 में वो कह रहा है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 6 कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कह रहा है कि विद 6 कार्बन एटम्स कंटेन ओनली 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये एल्कीन का फॉर्मूला तो फॉलो नहीं करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन होता है CnH2n, तो 6 कार्बन एटम वाला जो एल्कीन होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 6 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 2 12, हेक्सीन इसका नाम होगा। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला हम एल्कीन के लिए कब यूज करते हैं, जब सिर्फ पूरे एल्कीन मॉलिक्यूल में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, मतलब ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं, अगर सिर्फ ओनली वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। अच्छा, कह रहे दिस हाइड्रोकार्बन इज रिएक्टेड विद एक्सेस हाइड्रोजन एट अ हाई टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ इसको ऐड कराओगे तो हाइड्रोजनेशन है। इट मींस के कार्बन कार्बन जितने भी डबल बॉन्ड है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब इसमें चाहे 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, सारे के सारे डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा और इनकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। मतलब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला। तो 6 कार्बन एटम का जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, हेक्सीन एल्कीन कहलाएगा इसका। 6 कार्बन एटम का जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जो एल्केन होगा वो क्या होगा, हेक्सेन। हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला यही होता है ना, अगर एन की जगह पे मैं 6 रखूंगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 6 12 + 2 is 14, तो C6H14। राइट, अच्छा क्वेश्चन 39, ये हमने हैंडआउट्स में भी करते वक्त आइसोमेरिज्म में पढ़ा था। ये डबल बॉन्ड है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। इसमें कह रहे थे डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ टू हाइड्रोकार्बन एक्स एंड वाई, एक्स पहला वाला है वाई दूसरा वाला है। सुफियान 38 में क्या समझ नहीं आया, 38 में देखो, 38 में क्या 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 रहता है, क्वेश्चन पढ़ो सही से। थर्टी एट में हमसे कह रहा था कि हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है।
और वो कह रहा है कि उसमें थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब चाहे थ्री कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो चाहे फोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जब इसकी हाइड्रोजनेशन करवाओगे तो एक्सेस हाइड्रोजन लिया है, मतलब हाइड्रोजनेशन होती रहेगी, हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा जब तक के सारे डबल बॉन्ड खत्म ना हो जाए। तो जब सारे डबल बॉन्ड खत्म कर दोगे तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा, और हर कार्बन कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड खत्म हुआ है वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो वो जो आपका अनसेचुरेटेड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, मतलब एल्केन बन जाएगा। तो सिक्स कार्बन एटम वाला एल्केन कौन सा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, C6, और इसका जनरल फॉर्मूला 2N+2 होता है ना, हाइड्रोजन ऐसे बनाते हो, तो एन की जगह पे यहाँ सिक्स रखोगे तो 2 6 12 + 2 = 14, तो ये बन जाएगा C6H14। समझ आई बात? अली, उजैर, अच्छा 39 में एक्स और वाई में से एक स्टूडेंट कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन एक्स इज एन आइसोमर ऑफ वाई। देखो आइसोमर की डेफिनेशन बार बार एल्केन में भी डिस्कस हुई कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सेम होगा तो ही आइसोमर होंगे, एक्स और वाई का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। अगर मैं कार्बन एटम्स काउंट करूं एक्स में तो वो 4 है, हाइड्रोजन एटम्स काउंट करूं मैं एक्स में तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन एटम्स 10 है। लेकिन वाई में कार्बन एटम्स तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन एटम्स काउंट करो अगर तो वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है तो ये किसी भी तरह आइसोमर्स हो ही नहीं सकते एक दूसरे के, एक्स और वाई। तो स्टूडेंट वन अगर ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है तो वो गलत कह रहा है। स्टूडेंट टू कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन एक्स इज अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, और सेचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। वाई में डबल बॉन्ड है तो वाई अनसेचुरेटेड है और एक्स जो है हमारा सेचुरेटेड है। स्टूडेंट टू ने उल्टा कह दिया, एक्स को उसने अनसेचुरेटेड कह दिया, तो सेकेंड स्टूडेंट भी गलत है, तो दोनों ही गलत है, नीदर वन नॉट टू। मेहर कौन सा क्वेश्चन वापस समझाने के लिए कह रहे हैं? या 38 से तो हम एक क्वेश्चन आगे आ गए, क्लास के बाद समझ लेना, याद लिख लो अपने पास, बाद में देखते हैं 38 को। क्वेश्चन 40 कह रहा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एल्कीन्स बट नॉट फॉर एल्केन्स। स्टेटमेंट वन है दे टर्न एक्वस ब्रोमीन फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। तो ब्रोमीन जो है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, एल्केन के साथ ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करता है, सही है? तो ये बात एल्कीन के लिए तो सही है कि दे टर्न एक्वस ब्रोमीन फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस, लेकिन एल्केन के लिए ये बात सही नहीं है। उसने हमसे यही पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट एल्कीन के लिए तो सही है बट नॉट फॉर एल्केन। तो पहली स्टेटमेंट एल्कीन के लिए सही है बट नॉट फॉर एल्केन। सेकंड कह रहा है द जनरल फार्मूला इज CnH2n। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। तो एल्कीन के लिए ये वाली बात भी सही है कि उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, लेकिन एल्केन का ये नहीं होता है। इसी तरह थर्ड में कह रहा है दे बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कंबशन रिएक्शन की बात कर रहा है, कंबशन रिएक्शन एल्कीन का भी होता है और एल्केन का भी होता है, दोनों का होता है, मतलब ये बात दोनों के लिए सही है। तो ये स्टेटमेंट दोनों के लिए सही है, सिर्फ एल्कीन के लिए सही नहीं है, तो ये इसको हम चूज नहीं करेंगे। वो कह रहा है सिर्फ वाली स्टेटमेंट बताओ जो एल्कीन के लिए सही है, तो सिर्फ 1 और 2। अच्छा देखो ब्रोमीन का जो कलर है ना, ब्रोमीन का कलर आपको कहीं पे ऑरेंज भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि जब ब्रोमीन पानी में डलती है ना तो वो ऑरेंज
देता है, या उसको कहीं कहीं रेड ब्राउन भी लिखा हुआ था, कहीं कहीं ऑरेंज भी लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए थे। तो दोनों याद रखो कि रेड ब्राउन भी मिल सकता है ब्रोमीन, या ब्राउन भी मिल सकता है, कभी ब्राउन लिख देगा, कभी रेड ब्राउन लिख देता है, कभी ऑरेंज लिख देता है, ठीक है। तो ये सारे ब्रोमीन के ही मतलब शेड आ रहा होता है, रेड ब्राउन या ऑरेंज कलर का शेड, तो वो तीनों तरह के कलर लिखे हुए होते हैं, सही है। कौन पूछा था, अली, समझ आ गई बात? फोर्टी वन कह रहा है इथीन इज अ कोवेलेंट कंपाउंड विद अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सही है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पड़ी है, और सिंपल मॉलिक्यूलर है मतलब इसके मॉलिक्यूल जो है बीच में सिस्टम नहीं बन रहा होगा जाइंट कोवेलेंट या जाइंट आयनिक की तरह। विच स्टेटमेंट अबाउट इथीन इज करेक्ट? तो इथीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इथीन जो है ना गैस होती है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिक्विड नहीं होता है, ये हमने टेबल में लिखा हुआ है। लिक्विड इथीन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लिक्विड का मतलब मोल्टेन इथीन की बात कर रहा है, मतलब इथीन गैस है रूम टेम्परेचर पर, उसको ठंडा करके अगर इथीन लिक्विड कर दोगे, तो देखो अगर कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उसके पास क्या होने चाहिए, फ्री आइंस। और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सिर्फ एसिड और एल्केलीज जो होते हैं वो अपनी एक्वस स्टेट में, मतलब जब उनको पानी में डिजोल्व करा दो तो वो फ्री आइंस देते हैं। जैसे HCl है तो वो H पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन देगा, और एल्केली है पानी में डालोगे तो Na पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन देगा। तो सिर्फ एसिड और एल्केली सिंपल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फ्री आइन इन एक्वस सॉल्यूशन, बाकी कोई भी नहीं करता है। लिक्विड इथीन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात गलत है क्योंकि इसके पास कोई फ्री आइंस नहीं होते। ग्रेफाइट सिंपल कोवलेंट नहीं है अली, ग्रेफाइट जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में भी मोल्टेन स्टेट में भी, नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, क्योंकि ग्रेफाइट को अगर आप मेल्ट भी कर दोगे तो फ्री आइंस नहीं बनेंगे उसके, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही है, अरे समझ नहीं आई तुम्हारी बात, अच्छा तो बी भी गलत हो जाएगा। सी है वन इथीन मॉलिक्यूल कंटेन 16 प्रोटॉन्स, ये आपको काउंट करना पड़ेगा भाई, इथीन का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला है C2H4। अब इसमें दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम है चार हाइड्रोजन एटम है, एक कार्बन का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 6 होता है, मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन है, तो दो कार्बन के टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 12, और एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है तो चार हाइड्रोजन के पास टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 4 प्रोटॉन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूरे इथीन मॉलिक्यूल के पास कितने हो जाएंगे 12 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के, तो 12 प्लस 4 इज 16, ये बात सही लिखी हुई है कि एक इथीन मॉलिक्यूल में 16 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इथीन इज 5। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, जब इथीन की बॉन्डिंग हमने बनाई है यहाँ देखो, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगता है, मतलब जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो शेयर्ड पेयर कितना होगा, एक शेयर्ड पेयर होगा एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है, तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है 6, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 नहीं होंगे, अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो ये सही होता, 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे बॉन्डिंग में क्वेश्चन पूछता था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने हैं, तो देखो 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, हर कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए 6 शेयर्ड पेयर होंगे, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं,
तो टोटल सिक्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग करने के लिए। और शेड पेयर कितने होंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक शेड पेयर लगता है, दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक शेड पेयर बनाते हैं, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 6 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे और शेड पेयर 6 होंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड 6 है। यहाँ पे इन्होंने 5 लिखा हुआ है, इसलिए गलत है, 5 शेड पेयर नहीं होंगे, 6 शेड पेयर होंगे, इसलिए गलत है। समझ आ गई बात? हाउ कैन एल्कीन्स बी मैन्युफैक्चर्ड, एल्कीन्स की मैन्युफैक्चरिंग के हमने दो रिएक्शंस पढ़े, एक तो है फर्मेंटेशन जिसमें इथीन नहीं सॉरी फर्मेंटेशन तो इथेनॉल बनाने वाला है, एल्कीन की मैन्युफैक्चर के लिए हमने एक ही रिएक्शन पढ़ा, दो नहीं पढ़े भाई। एल्कीन को हम एल्केन क्रैक करके बना सकते हैं बस, और किसी तरह से नहीं बना सकते, तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट। इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन 43 पे। 43 है विद स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोकार्बन C2H4 इज नॉट करेक्ट। C2H4 क्या है, इथीन है, दो कार्बन वाला एल्कीन है क्योंकि जनरल फॉर्मूला CnH2n वाला फॉलो कर रहा है, कह रहा है नॉट करेक्ट, इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड, तो ये बात तो सही है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो होता है ना इथीन में, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नहीं है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इट डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ये भी सही है, एल्कीन के साथ तो रिएक्ट करता है ना ब्रोमीन। इट फॉर्म्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर, अब ये हमने आगे पढ़ना है पॉलीमराइजेशन के चैप्टर में। एल्कीन जो होता है वो एडिशन पॉलीमर बनाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डीआई फॉर्म्स एन अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद स्टीम, तो इथीन जो है वो हाइड्रेशन ऑफ इथीन वाला जो रिएक्शन था जिसमें वाटर ऐड होता है, तो ये बात भी सही है कि स्टीम के साथ वो रिएक्ट करता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर इसका सी है, ए और बी और डी तीनों स्टेटमेंट सही है एल्कीन के लिए, नॉट करेक्ट सी है। अब ये क्यों है नॉट करेक्ट, ये हम पॉलीमराइजेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस पर पेंडिंग लिख सकते हो क्वेश्चन पे। देखो हारिस, हाउ आर एल्केन्स मैन्युफैक्चर्ड, एल्केन्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन दैट आर फाउंड नेचुरली, पेट्रोलियम से निकलते हैं एल्केन हमारे, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो फैट्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं उनमें भी एल्केन होते हैं। चले आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन 44 आपका होमवर्क है, 45 देख लेते हैं जरा, 45 और 46 थोड़े से, 45 इतना मुश्किल नहीं है, 46 समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 45 में क्या है, व्हेन ब्यूटीन रिएक्ट विद ब्रोमीन व्हिच कंपाउंड कुड बी मेड, देखो ब्यूटीन एल्कीन है जिसका फॉर्मूला है C4H8। अब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप दो तरीकों से बना सकते हो, मतलब अगर फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक ब्यूटीन ये हो सकता है ब्यूटवनीन जिसको कहते हैं, और इसका एक आइसोमर भी होता है, अगर सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी हो सकता है। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में ब्रोमीन ऐड करा रहे हो, ब्रोमिनेशन करवा रहे हो, तो देखो ब्रोमीन कहाँ ऐड हो सकता है, जहां कार्बन, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन्हीं के बीच का एक बॉन्ड खत्म होता है ना, चाहे आप ब्रोमिनेशन करवाओ चाहे क्लोरीनेशन करवाओ, क्लोरीनेशन तो नहीं होती है एल्कीन्स की, ब्रोमिनेशन होती है, तो जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे उन्हीं दो कार्बन के साथ ब्रोमीन ऐड हो सकते हैं ना, एडजेसेंट कार्बन भी ऐड होगा, दोनों एक दूसरे के साथ साथ होंगे, नेबरिंग होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ब्रोमीन पहले कार्बन पे चौथे कार्बन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में उन्हीं दो कार्बन
पे ब्रोमीन अटैच होगा ना, और जिन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है वो एक साथ साथ ही होंगे ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन आएगा, इसी तरह दूसरे वाले ब्यूटीन में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सेकंड और थर्ड कार्बन पे ही ब्रोमीन आएगा ना, मतलब दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन आएगा जो साथ साथ होंगे। उस हिसाब से कह रहे कि व्हेन ब्यूटीन रिएक्ट विद ब्रोमीन व्हिच कंपाउंड कुड बी मेड, तो ए नहीं बन सकता क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन लग गए। अभी मैंने क्या बताया कि दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है तो उन दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई है जब डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खत्म हुआ है। इसी तरह बी वाला स्ट्रक्चर सही है क्योंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो बी हमारा आंसर है। सी क्यों गलत है, क्योंकि एक ब्रोमीन पहले कार्बन पे लगा हुआ है और दूसरा ब्रोमीन तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। और डी में एक पहले पे लगा हुआ है और एक फोर्थ पे लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। इसे समझ नहीं आया, पूछना है कुछ? देखो ए इसलिए गलत है क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं भाई, जब अगर ये ब्यूटीन होता तो एक ब्रोमीन, जैसे ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है तो जो डबल बॉन्ड खत्म हुआ है तो वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में खत्म हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कार्बन की ही वैलेंसी फ्री होगी ना, एक वैलेंसी फ्री होगी फर्स्ट कार्बन की और एक वैलेंसी फ्री होगी सेकंड कार्बन की, तो एक ब्रोमीन तो लग गया पहले कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन पहले कार्बन पे तो नहीं लग सकता ना, तो दूसरे कार्बन पे लगेगा क्योंकि पहले कार्बन पे तो ऑलरेडी दो हाइड्रोजन और लगे हुए हैं और एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ बना हुआ है, एक ही बॉन्ड और बन सकता था, वहां पे ब्रोमीन लग गया। सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट जो तो जिन दो कार्बन पे ब्रोमीन लगा है वो उनके बीच में डबल बॉन्ड ही नहीं था, फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थोड़ी होगा, या तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा या सेकंड या थर्ड के बीच में होगा, मतलब अगर मैं ये सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, तो जब ये डबल बॉन्ड खत्म होगा तो सेकंड और थर्ड कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी ना, तो सेकंड कार्बन पे लगेगा और एक थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा, या अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में तो पहला ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, दूसरा ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे लगेगा, एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे नहीं लग सकता क्योंकि डबल बॉन्ड दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में होगा, नेबरिंग कार्बन के बीच में होगा। सही है मोहित? तो सी में एक ब्रोमीन लगाया हुआ है फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे लगाने के बजाय एक कार्बन छोड़ के लगाया हुआ है। अच्छा 46 जरा ध्यान से सुनना है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कह रहा है विच रो इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ द एल्कीन विद स्टीम। अब देखो एल्कीन अगर मेरे पास इथीन है ना C2H4, इसमें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और जब स्टीम के साथ इसको रिएक्ट करवाओगे इसमें भी क्या होता है, जो आपके जिन दो कार्बन एटम के, क्योंकि है ही दो कार्बन इसमें तो मसला नहीं है, इसमें क्या होगा कि जिन दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड खत्म हुआ, एक कार्बन पे H लग जाएगा दूसरे कार्बन पे OH लग जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई पहले कार्बन पे H क्यों लगा है दूसरे पे OH लग जाए, और दूसरे पे पहले पे OH लग जाए दूसरे पे H लग जाए, तो ये एक ही बात है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू मैंने बनाई दे आर सिमिलर, आइडेंटिकल है, आइसोमर्स नहीं है, इसको पलट के रखो स्ट्रक्चर वन को, फ्लिप करो तो स्ट्रक्चर टू जैसा हो जाएगा, मतलब ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर एल्कीन मेरे पास जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना C3CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये प्रोपीन है। अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं,
कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जब वो बॉन्ड खत्म होगा, देखो मेरे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अगर सेकेंड कार्बन पे एच लगा है और फर्स्ट कार्बन पे ओएच लगा है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कार्बन पे एच लग जाए और सेकेंड कार्बन पे ओएच लग जाए। तो इसके ये जो दो स्ट्रक्चर बने, ये दो स्ट्रक्चर सेम नहीं है। मतलब अगर पहले स्ट्रक्चर को फ्लिप करके रखो तो एग्जैक्टली सेकेंड वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसको फ्लिप करोगे तो वो ये बन जाएगा। ये भी बन जैसा ही है। ऑफ फर्स्ट कार्बन इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्या है आइसोमर्स हैं? आइसोमर्स को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट करते हैं। पोजिशनल आइसोमर एक दूसरे के। ये अच्छा, इसका देखो जो पहला वाला स्ट्रक्चर है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं ना, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? एच से पहले कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है तो CH3, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, मैंने ब्रांच पे भी एक नया लगाया तो वो CH2 बन जाएगा। और फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और नीचे OH है, तो OH आखिर में ऐसे लिख देंगे। और सेकंड वाले स्ट्रक्चर का अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूं, तो फर्स्ट कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है, सेकंड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और ब्रांच में एक OH जा रहा है, तो वो मैं OH इस तरह से नहीं लिखूंगा। अगर मैं इस तरह से OH लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा कि वो स्टेट चेंज में या ब्रांच में। तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट डिफरेंशिएट करने के लिए ना यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे। ये ब्रैकेट बोलता है कि भाई ये जो OH है ना, ये नीचे है, इसके आगे चेन कंटिन्यू नहीं हो रही, ना हो सकती है। और फिर उसके बाद क्या है, CH2, और ये हाइड्रोजन पर ये मैं मिला के लिख दूंगा CH3। तो देखो ये जो एल्कीन था हमारा ऑप्शन ए वाला, इसकी जब मैं हाइड्रेशन करवाऊंगा तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट ये वाला, और दूसरा प्रोडक्ट जिसमें OH जो है वो सेकंड कार्बन पे, पहला प्रोडक्ट जिसमें OH फर्स्ट कार्बन पे। तो उसने क्या करा है, उसने जो हमें प्रोडक्ट लिख के दिया है ना, वो सेकंड वाला प्रोडक्ट लिख के दिया जो हमने सेकंड पे बनाया, और उसके साथ लिख दिया ओनली। ये जो ओनली वाली बात है ना, ये गलत लिख दिया उसने, क्योंकि ओनली ये प्रोडक्ट तो नहीं है ना। प्रोडक्ट तो दो तरह के, या तो वो दोनों लिखता या ओनली नहीं लिखता, इसके साथ कहता दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो ओनली वाली बात है ये गलत लिख दी, इसलिए ये ए आंसर नहीं है हमारा। अभी बताओ कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है सही तरह से? बस दो ही लोगों को समझ नहीं आया, बाकी सबको आ गया समझ। चलो एक बार और ट्राई करते हैं ऑप्शन में। देखो भाई हमारे पास जो ये वाला एल्कीन है, इसकी हाइड्रेशन क्या होती है, हाइड्रेशन मतलब स्टीम के साथ जब एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होता है, मतलब डबल बॉन्ड पूरा खत्म नहीं होता, एक बॉन्ड खत्म हो जाता है, तो जो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनकी वैलेंसी फ्री हुई है, और स्टीम में से मतलब जो स्टीम वाटर ही है ना, H2O, इसमें से ये H और OH बॉन्ड ब्रेक होगा, एक किसी एक कार्बन के साथ H लग जाएगा, किसी एक कार्बन के साथ OH लग जाएगा। अभी ये रैंडम हो रहा है,
रैंडम एज इन के अगर मैं नंबरिंग करूं इस तरह से 1 2 3, तो पहले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन के साथ एच लगा, फर्स्ट कार्बन के साथ ओएच लगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कार्बन पे ओएच ना लगे बल्कि वहां पे लग जाए एच और सेकंड कार्बन पे लग जाए ओएच। सही है? तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन गए हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होंगे, ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन पे। यहां तक बात समझ आई है? हाँ भाई, हारिस कैटलिस आपको याद होना चाहिए इसका, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल कैटलिस पूछा नहीं है ना, लेकिन याद होना चाहिए। अरे देखा हुआ है ना, एंड आउट में फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है। अच्छा, अब देखो उसने ना ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, वो इस तरह से जैसे मैंने एच और ओएच नीचे बनाया है, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। उसने जो है ऐसे नहीं बनाया हुआ, उसने ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसने स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, CH3 और यहाँ भी CH3। देखो अब ये जो मेरा पहला वाला स्ट्रक्चर है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही है, लेकिन ये जो नीचे एच और ओएच लगा हुआ है ना, इसको भी मैं ऊपर करके अगर लिखूं, उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले वाले को CH3, अब दूसरे कार्बन पे जो हाइड्रोजन नीचे है वो मैं ऊपर लिख दूं तो ऊपर दो हाइड्रोजन मिला के लिख दूंगा, और पहले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है तो OH जो है वो आखिर में ही आ रहा है, तो मैं आखिर का OH जो है ना बगैर ब्रैकेट के लिख सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर OH किसी मिडिल वाले कार्बन पे आ रहा है ना, बीच में आ रहा है, पहले और आखिरी बार आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, OH लिख दिया आपने बस। लेकिन अगर OH मिडिल कार्बन पे कहीं आ रहा है, तो फिर आप जो है ना उसको इस तरह नहीं लिख सकते। जैसे सेकंड स्ट्रक्चर मैंने CH3, इसको मैं CHOH ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर ना मुझे ये स्ट्रक्चर देख के समझ नहीं आएगा। हम तो कार्बन कार्बन चेन बनाते हैं ना, पहला कार्बन उसके साथ बॉन्ड बना दूसरे कार्बन का, उसके साथ बॉन्ड बना तीसरे कार्बन का, बीच में जो OH आ जाएगा, अगर बीच में OH लगा दोगे तो आगे फिर बॉन्ड ही नहीं बन सकता। वैसे तो ऑब्वियस होता है कि OH जो है वो नीचे ही आएगा, ब्रांच में स्ट्रेट चेन में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देखोगे तो मुश्किल होगी। तो हम करते क्या है, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए ना ब्रैकेट लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि OH जो है ना वो नीचे है, स्ट्रेट चेन में नहीं है, मतलब बीच में नहीं आ रहा है दो कार्बन के। ये बात समझ आई? ओके तो उसने क्या बोला कि ये जो हमने एल्कीन लिया था, इससे वो उसने जो है ना मैं जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सेकंड वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कह रहा है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट बन रहा है ओनली, जो कि बात सही नहीं है। एक और प्रोडक्ट है ना, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, पहला वाला जो है N1ol है, दूसरा वाला O2ol है, मतलब ये अलग अलग आइसोमर्स है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग प्रोडक्ट है, दो आइसोमर अलग अलग प्रोडक्ट कहलाते हैं। उसने जो ओनली लिखी हुई है बात वो सही नहीं है, या तो वो ओनली नहीं लिखता या वो दूसरा प्रोडक्ट भी लिखता कि दो बन रहे हैं। अभी समझ आई बात?
बस ए समझ आ गया ना तो बी सी डी समझ आ जाएंगे आसानी से। अब मैं ये मिटाने वाला हूँ जो मैंने लिखा है ना, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। से देखते हैं। चलो अब जो सेकंड एल्कीन है वो मेरे साथ साथ बना लो। ये है CH3, CH2, CH पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन CH2। अब आपने इसमें क्या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख लो, चाहे तो पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो उसका। मतलब ये जो मेरा फर्स्ट और सेकंड कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है, उनके डबल बॉन्ड खत्म होंगे तो इन्हीं दो कार्बन एटम पे या तो किसी एक पे एच लगेगा, किसी एक पे ओएच लगेगा। जैसे लेड से पहले कार्बन पे एच लग गया, दूसरे पे ओएच लग गया, इसी तरह अगर पहले कार्बन पे OH लग जाए और दूसरे कार्बन पे H लग जाए। अब ये दोनों भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के अलग अलग आइसोमर्स हैं, तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट कहलाएंगे, क्योंकि पहले वाले को फ्लिप करो दूसरा वाला बन जाए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पहले वाले में जो है OH सेकंड कार्बन पे, और दूसरे वाले में OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं ये। इनके अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूंगा, पहले वाले का ऐसे लिखूंगा CH3CH2। अब इसमें OH नीचे आ रहे हैं ना, तो ब्रैकेट लगा के ऐसे लगाएंगे CH3। दूसरे वाले में क्योंकि OH बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकता हूँ, OH ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो, लेकिन जरूरत नहीं होती। इसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसने यहाँ पे भी दूसरा वाला जो हमने प्रोडक्ट हमारा जो दूसरा वाला है ना वो प्रोडक्ट बनाया है और ओनली लिख दिया है, तो ये ओनली लिखना गलत हो गया इसका, तो बी भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? ओके आगे बढ़ जाएं। ऑप्शन सी देखें इसका। सी में चार कार्बन वाला एल्कीन है। नहीं देखो इतना काम नहीं करना है हमने, ये तो अगर आपको समझ आ जाएगी ना जब चीज, तो आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए मैं तो पूरा खोल के बना रहा हूँ। आपने ना स्ट्रक्चर बनाना है ना आपने किसी को समझाना है, सही है? आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ एच लगेगा, यहाँ ओएच लगेगा, अगर पोजीशन डिफरेंट होगी तो डिफरेंट आइसोमर होगा। सेकंड में भी ऐसा है। जब आप थर्ड देखोगे ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये देखते ही पता लग जाएगा। सेकंड वाला जो एल्कीन है हमारा वो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसकी नंबरिंग कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। अच्छा इसमें देखो, अगर मैं H पहले दूसरे कार्बन पे लगा दूं और OH थर्ड कार्बन पे लगा दो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी कि थर्ड कार्बन पे जैसे मैंने OH लगाया पहले स्ट्रक्चर में, मैं थर्ड कार्बन पे अगर H लगा दूं और सेकंड कार्बन पे OH लगा दूं, तो क्या ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? आप यस हारिस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ओनली लिखा हुआ है तो वो गलत है, ओनली नहीं है, दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें। अच्छा अब क्या स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू आइसोमर्स हैं एक दूसरे के या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं है, वो सेम है, क्योंकि
क्योंकि फर्स्ट वाले को फ्लिप करोगे तो सेकंड वाला बन जाएगा। फर्स्ट वाले में भी एच और ओएच सेकंड और थर्ड कार्बन भी लगा हुआ है ना, मतलब इस पे ओएच लगा हुआ है, इस पे एच लगा हुआ है। अगर मैं उसको फ्लिप करके रखूं तो उसकी नंबरिंग जो है वो ये बन गई 1 2 3 4। देखो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर क्या कहते हैं क्लास में फिजिकली समझना है इस क्वेश्चन को, पूछ लेना मुझसे आके। जिनको आ रहा है वो तो कंटिन्यू करें ना। तो सी में हमारे पास मतलब या तो आप पहला वाला स्ट्रक्चर बना लो, जैसे CH3 CH, इसके साथ OH आ जाएगा ब्रैकेट में, CH2 CH3। और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है वो CH3 CH2 CH OH CH3। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। अगर इसमें देखूं सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, और पहले वाले में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसमें भी OH सेकंड कार्बन भी लगा हुआ है, तो ये सेम स्ट्रक्चर है, तो इसमें ओनली लिखा जा सकता है, मतलब सी आंसर है हमारा। देखो थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन रह जाएगी इस क्वेश्चन में, मैंने पहले ही बता दिया क्वेश्चन करने से पहले कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन एक बार जब समझ आ जाएगा तो फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। देखो आगे चले, डी की तरफ ये सी में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है। देखो तुम क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हारे माइंड में क्वेरी क्या है तो ज्यादा अच्छा मैं समझा सकूंगा, और बाकियों को भी ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो क्योंकि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है अभी मुझे नहीं पता, तब बोलोगे नहीं। माइक खोलना है, माइक खोल के बोल दो, हैंड रेस कर दो तो माइक खुल जाएगा उसका, जिसका भी है। नहीं आगे बढ़े पे डी पे। अच्छा एक काम करो, डी समझते हैं पहले, फिर सी पे दोबारा आते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। डी जो है ना, डी में ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, CH3 है ब्रैकेट 2 CH2। देखो ये ब्रैकेट डालने का क्या मतलब है, ब्रैकेट इसलिए डाला है कि जो CH3 है ना, ये दोनों के दोनों CH3 मतलब इस तरह से नहीं आ सकते, मतलब CH3 के बाद फिर एक CH2 आएगा, फिर एक कार्बन आएगा। जो ब्रैकेट डालते हैं ना, ब्रैकेट शो करता है ब्रांच को, इसका क्या मतलब है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ एक चलो एक CH3 तो तुमने भी लगा दिया स्टेट चेंज में, लेकिन जो दूसरा CH3 है वो ऊपर आएगा, आगे नहीं आ सकता, आगे CH2 आ सकता है, CH3 नहीं आ सकता। सही है, और फिर ये अलग कार्बन है तो मैंने बनाया, इसके साथ दो CH3 थे, ब्रैकेट लगा था मतलब ब्रांच में थे, एक तुमने लेफ्ट पे बना दिया तो एक ऊपर बनाना पड़ेगा, राइट पे नहीं बना सकते, ठीक है। और इसको C2H6 नहीं कह सकते हो, C2H6 हम तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, तो हर एक कार्बन को अलग अलग लिखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, इसलिए C2H6 नहीं लिख सकते उसको। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। अच्छा इसका अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्शन कराऊंगा, इसके हमारे कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो लेट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, दिस इज 1 2 3। तो अगर फर्स्ट कार्बन पे एच लगा है, सेकंड कार्बन पे ओएच लग जाए, और फर्स्ट कार्बन पे ओएच लग जाए, सेकंड कार्बन पे एच लग जाए, तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन या ओएच जो लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, उस कार्बन पे लगा हुआ है जिसके साथ एक ऊपर, जिसके साथ दो CH3 है, एक ऊपर और एक लेफ्ट पे। लेकिन सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ओएच जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके साथ सिर्फ दो हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जिस कार्बन पे ओएच लगा हुआ है उसके साथ दो CH3 है, मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पोजिशन डिफरेंट है, ओएच आइडेंटिकल नहीं है ये।
मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये दोनों भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होंगे, तो इनके साथ भी ओनली नहीं लिखा जा सकता। इसलिए जो क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, वो हमारा वाला दूसरा वाला है, उसने ये बनाया हुआ है CH3 2 CH और फिर CH2 OH, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म होगा, तो उसने दूसरे कार्बन के साथ OH लगाया, मतलब पहले कार्बन के साथ OH है, दूसरे कार्बन के साथ H है। देखो एल्कीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देखो ये वाला जो एल्कीन है ना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से कह रहे हो गलत है। ये ब्यूटीन का दूसरा आइसोमर है, तुमने ब्यूटीन बनाया ना, ब्यूट बनी, इसको और से देखो तो ये यही तो है, ये बनाया था क्लास में, इसको बस उसने पलट के रख दिया है, यूं करने के बजाय जो ब्रांच में कार्बन है ऊपर कर दिया, डबल मतलब यूं करके बनाने के बजाय उसने डबल बॉन्ड जो है जिन दो कार्बन के बीच में उस पर ब्रांच नहीं किए, सेम है ब्यूटीन है। CH3 2 पॉसिबल नहीं है, वो ब्रैकेट लगाने का मकसद ही यही है कि वो ये बताना चाह रहा है इस कार्बन के साथ, लेफ्ट पे तो चलो CH3 हो गया, आगे डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो 2 CH3 का मतलब ये है कि 1 CH3 ब्रांच में होगा ना, ऐसे ये मतलब है इस बात की। जैसे अगर तुमने ब्यूटेन का आइसोमर बनाया था ना, उसको अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे ना, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे CH3 फिर CH, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन के ब्रांच में एक CH3 है, तो अगर मैं वो वाला CH3 जो ब्रांच में है वो यहाँ पे आके ऐसे लिख दूंगा, तो फिर CH3 तो हो ही नहीं सकता, CH2 होता है, उसके आगे फिर एक और CH3 जो कि पॉसिबल नहीं है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, तो फिर उसको अलग बताने के लिए कि भाई ये ब्रांच में है हम ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे, सही अली। ऑप्शन सी फिर देख लेते हैं जो कि राइट ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन सी में जो स्ट्रक्चर है ना वो ये वाला है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, इसमें अगर मैं देखो मैं सिर्फ अगर ये चीज बनाऊ ना, ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा मैं थोड़ी देर के लिए, तो जहां डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है ना वहां पे एच लग गया और दूसरे कार्बन पे एच लग गया, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका जब डबल बॉन्ड खत्म होगा तो OH और H ऐसे लग जाए, तो ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मतलब अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को पलट के रखूं तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ही नहीं, ये दोनों सेम है बिल्कुल, तो जब सेम है तो मतलब या तो ऊपर वाला काउंट कर लो या नीचे वाला काउंट कर लो, ऊपर वाला बनाया तो उसके साथ ओनली लिख दो क्योंकि नीचे वाला भी वही है ना, तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो इसके साथ ओनली लिखना सही है। इन्होंने जो दूसरा वाला है ना, मतलब दोनों सेम ही है, उन्होंने जो स्ट्रक्चर में OH लगाया हुआ है ना यहाँ पे, तो वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के OH है। अब मैं अगर पहला वाला स्ट्रक्चर देखूंगा तो सेकंड कार्बन नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे OH है, अगर नीचे वाला देखूंगा तो नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट करूंगा सेकंड कार्बन को OH है, इसमें भी सेकंड कार्बन को OH है। बाकी अगर किसी को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रह गई है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रह गई होगी, मुश्किल चीज है, तो फिर हम लोग इसको जो जो क्लास में जैसे जैसे मिलते जाओ डिस्कस करते जाना, मैं थोड़ा सा फेस टू फेस ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा ये। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बाकी स्केड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, वो स्केड्यूल रिवीजन क्लासेस